आज का जो अपना टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल जो है, दिस इज अ साइकिल। सो हम लोग कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब वॉलिकुलर सिस्टोल, डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल। तो ये कार्डियक साइकिल और कुछ नहीं, ये रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो दिस रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। और जो इसमें ड्यूरेशन है, जितने भी इवेंट होते हैं वो ड्यूरेशन है, दिस ड्यूरेशन इज, इट कंप्लीट्स इन 0.8 सेकेंड। ये याद रखेंगे कार्डियक साइकिल। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, दिस कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन इज डायस्टोल। ये ऑरिकुलर सिस्टोल। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं, ए इज द ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल जो है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था, पिछले लेक्चर में, कि जो एसएन नोड है, एसएन नोड इज कॉल्ड पेस मेकर बिकॉज इट जनरेट्स इम्पल्सेस, इट जनरेट्स सिग्नल्स। तो इसी सिग्नल से जो है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और एसएन नोड हमने बताया था कि दिस एसएन नोड इज लोकेटेड इन द राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में, और ये मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट का जो मसल्स है, हर पार्ट जो है वो इंपल्स जनरेट करता है, कर सकता है, उसमें एबिलिटी है, लेकिन चूंकि मैक्सिमम जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट किया जाता है किसके द्वारा, इस एसए नोड के द्वारा। और ये एसए नोड भी स्पेशलाइज्ड मस्कुलर ये स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग नोडल टिश्यू कहते हैं, जो कार्डियक मसल्स के ही बने होते हैं, जिनमें ऑटो रिदमिसिटी देखा जाता है। ये खुद ही एक्साइटेटरी होते हैं और इंपल्स जनरेट करते हैं, इसलिए ह्यूमन हार्ट जो है वो मायोजेनिक है, यानी कि इंपल्स जनरेट करने के लिए इसको बाहर से स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है। तो यानी कि ये कैसा काम कर रहा है, नर्व की तरह यहाँ पे जो मसल फाइबर्स हैं नोडल टिश्यू के, वो काम कर रहे हैं, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग और दे आर गिविंग द सिग्नल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, एंड इट इज द एसए नोड। फिर हम लोगों ने बात की थी एवी नोड की, तो एवी नोड जो है वो भी राइट एट्रियम में है, लेकिन राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर, ये याद रखेंगे आप, लोकेशन में है आपका एवी नोड। तो जो एसए नोड की हमने बात की कि इंपल्स जनरेट करता है, तो मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट करता है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी जो होती है एवी नोड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड ये ट्रेवल करते हैं, यानी एसए नोड से एवी नोड तक आने में जो है 1 मीटर पर सेकेंड, जबकि एवी नोड जो इसको ट्रांसमिट करता है वेंट्रिकल पे वो होता है 1.5 to 4 मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना है। साथ ही साथ मैं ये भी बताई थी कि जो इंपल्स जनरेट होता है राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम से वो कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम एंड देन बोथ वेंट्रिकल्स। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सबसे पहले कहां, राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, देन लेफ्ट एट्रियम एंड देन बोथ वेंट्रिकल्स। तो ये याद रखेंगे आप सीक्वेंस को। तो हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल की जो बातें होंगी, इसमें मेन पॉइंट कि इस समय ऑरिकुलर सिस्टोल में जो है क्या हुआ कि ब्लड इज पंप्ड
into respective ventricles. ये पहली बात कि ऑर्कुलर सिस्टोल में ब्लड जो है पंप कर दिया गया रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में, और साथ ही साथ जो भाल है यानी हमने थीबेशियन भाल, जो कोरोनरी साइनस का भाग था, थीबेशियन भाल, यूस्टेकियन भाल, ये क्या है, क्लोज्ड है, क्लोजेस, ये बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ जो ओपनिंग्स है, ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स एंड सुपीरियर वेना का भाग, वेना का भाग, ये भी कैसे हो गए, क्लोजेस, सुपीरियर वेना का भाग क्लोजेस। साथ ही साथ जो है ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर भाल, ये कैसे है, ओपन्स। तो ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर भाल क्या है, वो खुल जाता है, और जो पल्मोनरी वेन्स, यानी कि मैं अगर छोटा सा हार्ट का आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये समथिंग लाइक दिस, कि ये जो स्ट्रक्चर की बात अगर हम लोग कर ले तो this is right atrium, this is left, this is interventricular septum, और मैं ये सब लेवल नहीं करूंगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑरिकुलर सिस्टोल के समय क्या क्या हुआ, तो और यहां से जो है ये पल्मोनरी आर्टरी, ये हम लोगों ने देखा था जो लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स को, और यहां से हम लोगों ने देखा था जो है सिस्टेमिक एओर्टा, ये यहां से राइट, और इसकी फर्दर ब्रांचिंग होती है एंड रिटर्न्स लेफ्ट। तो ये सारी बातें लिखी। तो खैर ऑरिकुलर सिस्टोल में जो है हम लोगों ने क्या कहा कि ब्लड जो है यहां फिल हो रहा है, ब्लड जो है यानी कि पल्मोनरी वेन्स जो ओपनिंग थी ना, यानी कि लेफ्ट लंग से और राइट लंग से जो फोर ओपनिंग्स थी पल्मोनरी वेन की, ये इससे ब्लड क्या हो रहा है, इस ऑरिकल में फिल हो रहा है, और यहाँ सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस से भी ब्लड यहाँ क्या हो रहे, फिल। जब ये ब्लड फिल है यहाँ, और जब इम्पल्स जनरेट हुआ ऐसे नोड से, तो ये ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या क्या हमको देखने को मिला, तो ब्लड जो है वो पंप कर दिया गया रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में। दूसरी जो ऑरिकुलो यानी प्रेशर जब बढ़ा, तो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर भाग क्या हो गए, ओपन हो गए, और साथ ही साथ जो थीबेशियन भाग जो है, थीबेशियन भाग और यूस्टेकियन भाग जो होते हैं ये क्या हो गए, क्लोज हो गए। तो जो थीबेशियन भाग जो कोरोनरी साइनस का था, यूस्टेकियन भाग जो इंफीरियर वेना कावा का था, और ये क्या हो गए, क्लोज हो गए, और जो ओपनिंग्स है इस पल्मोनरी वेन्स का सुपीरियर वेना कावा की, जो ओपनिंग है ऑरिकुलर सिस्टोल से ऑटोमेटिक क्या हो गया, ओपनिंग्स क्लोज हो गए। तो हमने यहाँ लिखा कि ब्लड इज पंप्ड इनटू रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, थीबेशियन भाग यूस्टेकियन भाग क्लोज जस्ट एट दिस टाइम, और पल्मोनरी वेन्स एंड सुपीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग है वो भी क्लोज हो गई, और ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर भाग जो है वो क्या हो गया, ओपन है, ताकि ब्लड जो है वो मूव कर सके रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में। तो दिस इज कॉल्ड ऑरिकुलर सिस्टोल, और ऑरिकुलर सिस्टोल, इफ देयर इज ऑरिकुलर सिस्टोल, व्हाट द वेंट्रिकल इज डूइंग, वेंट्रिकल डायस्टोल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेंट्रिकल कैसे स्टेज में है, डायस्टोल। तो पॉइंट एट सेकंड में जो बात हो रही है वो कितनी की बात हो रही है, कि ये जो ऑर्बिटल सिस्टम है इसमें जो टाइम दिया गया वो है 0.1 सेकंड। तो ये ऑर्बिटल सिस्टम। दूसरी बात की बी, तो बी में अगर हम लोग जो है वो देखेंगे कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल,
सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा कि जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज, ये बंद हो जाते हैं। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व क्या हो गए, क्लोज हो गए। और साथ ही साथ जो सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा ओपन्स, ये खुल जाते हैं। तो जो प्रेशर बढ़ेगा, तो यहां हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था ना कि यहाँ पे सेमी लूनर वाल्व होते हैं, यहाँ पे भी सेमी लूनर वाल्व होते हैं, दे आर ट्राइकस्पिड, तो दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व एंड दिस इज कॉल्ड एओर्टिक सेमी लूनर वाल्व। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो सेमी लूनर वाल्व जो है वो क्या हो गए, ओपन हो गए। यानी क्यों ओपन हो गए, क्योंकि जो प्रेशर है इस वेंट्रिकल का वो ज्यादा हो गया, किससे, इस आर्टरी और इस एओर्टा से। एक चीज यहां ध्यान देंगे कि मैं क्या बता रही हूं कि जो ब्लड फिल हो रहा है ऑरिकल में, तो ब्लड इज फिलिंग इन दिस ऑरिकल, और जब ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड जाने का जो है वो 30 टाइम्स जो है वो ज्यादा हो जाता है, ये याद रखोगे। तो ये जो इस समय सेमिलर वाल्व जो है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के क्या हो गया, ओपन हो गया। दूसरी बात कि तो साथ ही साथ जो वाल्व क्लोज है तो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व यहाँ क्या हो गया, क्लोज हो गया। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोजेस, ये बंद हो जाते हैं। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो क्लोजेस जब ये हुए बाय प्रोड्यूसिंग अ साउंड कॉल्ड लंग, दिस इज कॉल्ड लंग, जिसको साउंड एसएम भी कहते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड। तो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हुआ, कब क्लोज हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, तो उसने एक साउंड प्रोड्यूस किया जिसको हमने क्या कहा, लंग। एट दिस टाइम व्हाट दिस ऑरिकल इज डूइंग, ऑरिकल जो है वो डायस्टोल में है, याद रखोगे, ऑरिकल जो है वो डायस्टोल में। तो ये जो रिपीटिंग पैटर्न है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, तो ऑरिकल क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल उस समय क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये तो रेस्ट उस समय कर ही रहा है, डायस्टोल में है, तो अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर, ये भी रिलैक्स करेगा, तो अब क्या हो जाएगा, ज्वाइंट डायस्टोल। तो हम लोग जो है सी में क्या देखने जा रहे हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब क्या हुआ कि विद द फोर कंपार्टमेंट्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। तो जब चारों कंपार्टमेंट हार्ट के जो है रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे, तो दिस स्टेट इज कॉल्ड ज्वाइंट डायस्टोल। दूसरी बात ये कि इस समय जो है जो सेमी लूनर वाल्व्स हैं, सेमी लूनर वाल्व्स पल्मोनरी के लिए एंड एओर्टा, ये क्या हो गए, क्लोजेस, माइंडेड, ये क्लोजेस हो गए बाय प्रोड्यूसिंग सेकेंड हार्ट साउंड, हार्ट साउंड, एंड दिस इज कॉल्ड द, दिस इज कॉल्ड द, और जैसा मैंने बताया S2, ये याद रखेंगे। तो ज्वाइंट डायस्टोल, साथ ही साथ, तो यानी कि चारों कंपार्टमेंट जो है हार्ट का वो क्या है, रिलैक्स्ड स्टेट है।
वंस मोर हमने आपको क्या बताया कि ऑरिकुलर सिस्टोन जो 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोन में कितना 0.3 सेकेंड, इट टेक्स 0.3 सेकेंड। तो दिस इज वेरी अमेजिंग कि जितने भी ये प्रोसेस हो रहे हैं उसमें क्या है कि ऑरिकुलर सिस्टोन की अगर हम लोग बात करें, ऑरिकुलर सिस्टोन तो 0.8 सेकेंड में ही तो जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो ये टेक्स प्लेस, और उसमें भी ऑरिकुलर सिस्टोन जो है वो मात्र कितना समय ले रहा है 0.1 सेकेंड। इट मींस कि द रेस्ट जो है यानी एक सेकेंड से भी कम टाइम लेने वाला इवेंट और उसमें भी अपना जो ऑरिकल है वो मतलब बहुत ज्यादा इसमें भी क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो 0.7 सेकेंड ये क्या है ऑरिकुलर डायरेक्ट स्टोन। फिर हमने देखा वेंट्रिकुलर सिस्टोन, तो इसमें भी ये कितना 0.3 सेकेंड में ये कंप्लीट होने वाला इवेंट, द रेस्ट टाइम वेंट्रिकुलर डायरेक्ट स्टोन 0.5 सेकेंड। तो अपना हार्ट जो है 1 मिनट में कितनी बार यानी 60 जो है तो 60 में क्या होगा 75 अगर हम लोग एवरेज हार्ट बीट, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 सेकेंड। तो यानी कि 1 मिनट में 75 टाइम्स जो है हार्ट बीट यानी कार्डियक साइकिल, तो एक कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड में, और इस तरह से ऑरिकुलर सिस्टोन में 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोन में 0.3 सेकेंड, डायस्टोल 0.5 सेकेंड एंड ऑरिकुलर डायस्टोल 0.7 सेकेंड। तो इसमें हम लोगों ने सिंपली ये देखा, आपको याद क्या रहेगा कि दिस इज अ साइकिल, लेकिन हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे किससे, ऑरिकुलर सिस्टोन से, बिकॉज ऐसे नोड भी वही है ऑरिकुलर राइट ऑरिकल में और वहीं से ये इंपल्स जनरेट होता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। दैट्स व्हाई वी प्रेफर कि हम लोग इस साइकिल को कहां से स्टार्ट करें, ऑरिकुलर सिस्टोन से। तो ऑरिकुलर सिस्टोन के समय हम जैसे यहां से अगर आप देखो ज्वाइंट डायस्टोल में अगर आपको दिखाओ तो चारों कंपार्टमेंट्स क्या है रिलैक्स्ड है, और जो पल्मोनरी वेन्स और अदर वेन्स से यानी कि वेन्स की ओपनिंग, माइंड इट ऑरिकल में क्या होता है वेन्स की ओपनिंग होती है और वेंट्रिकल से एराइज होते हैं आर्टरी, ठीक है ये आप लोगों को। तो हमने अगर ज्वाइंट डायस्टोल की बात की तो 4 कंपार्टमेंट्स इस समय क्या है रिलैक्स्ड है, यानी कि ब्लड जो है वो फिल हो रहा है रेस्पेक्टिव ऑरिकल में, और प्रेशर जब इसका बढ़ा तो ब्लड को यानी कि तभी ऐसे नोड ने क्या जनरेट कर दिया एक्सेल पोटेंशियल इंपल्स सिग्नल्स, जिससे कि ऑरिकुलर कॉन्ट्रेक्शन हुआ जिससे ब्लड जो है वो रेस्पेक्टिव साइड में पंप कर दिए गए, और इस समय जब ऑरिकुलर कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है जो तो जो थीमेशियन भाग है, जो स्ट्रेकियन भाग है, जो पल्मोनरी ओपनिंग्स है, जो सुपीरियर वेना कावा का ओपनिंग है, वो सब इस समय क्या है क्लोज है, सिर्फ ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर भाग जो है वो ओपन है। ये याद रखोगे जब ब्लड नाउ ब्लड इज इन दिस वेंट्रिकुलर पार्ट, और जब इसका प्रेशर जो है वो क्या हो गया अधिक हो गया, जाहिर सी बात है कि जब ब्लड आएगा तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया बढ़ गया, ये प्रेशर जो है इस आर्टरी से, और इस आर्टरी से क्या होगा जब अधिक होगा तो सेमीलुनर वाल्व्स नाउ ओपन और ब्लड जो है वो पंप कर दिए जाएंगे रेस्पेक्टिव पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। तो अब यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा कम होगा, तो ये चांसेस है कि ब्लड जो है वो बैकवर्ड मूवमेंट हो जाए, तो जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोन होता है जो यहाँ का वाल्व होता है वो क्या हो गया क्लोज हो गया टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन द रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। तो दिस वेंट्रिकुलर सिस्टोन टेक्स 0.3 सेकेंड, ये याद रखेंगे। तो इस समय हम लोगों ने जो बात की थी कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोन हुआ यानी कि हम अगर लव और डव को कंपेयर करेंगे तो लव और डव, तो लव में क्या करोगे कि वेंट, बस देखो दोनों की लव और डव जो है वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है, तो यू हैव टू नॉट कंफ्यूज विद दिस ऑर्गन। तो ये एकदम से थंब रूल की लव और डव जो है
से ही जुड़ा हुआ है, तो वेंट्रिकल सिस्टोल जब होगा तो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल क्लोज होंगे, क्लोजेस। ये कब वाला? तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय और वेन द ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल क्लोजेस। ये लव जो है यह और डब जो है ये कब होगा? तो ये आप याद रखेंगे कि वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल और क्लोजिंग ऑफ भाल, सेमी लूनर भाल, सेमी लूनर भाल ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। ये याद रखेंगे। तो वेंट्रिकल डायस्टोल से डब, वेंट्रिकल सिस्टोल से लव, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर भाग जब क्लोजेज हुए तो लव, और जब सेमी लूनर भाग क्लोज हुआ तो डब। ठीक है। और लव जो है ये लेस नाउन है, ये लेस नाउन है और लेस नाउन है और लॉन्ग ड्यूरेशन है। इसका लो पिच है, लो पिच और लॉन्ग ड्यूरेशन। कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप इसको कैसे याद रखोगे? तो आप याद रख सकते हैं एल से, तो लो पिच और लॉन्ग ड्यूरेशन। जबकि डब जो है वो हायर पिच होगा, हाई पिच, इससे हायर पिच का होगा ये, और शॉर्ट ड्यूरेशन का, शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि क्या मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या हो रहा है, और जॉइंट डायस्टोल में जब चारों कंपार्टमेंट्स कैसे हैं, रिलैक्स्ड है, सेमी लूनर वाल्व जो है वो क्लोज हो गया है, और वो क्लोज हो रहा है बाय प्रोड्यूसिंग सेकंड हार्ट साउंड एंड दिस इज कॉल्ड डब। तो इस डब और डब को आप अच्छे से याद करेंगे। और बाकी तो कंपार्टमेंट की बात पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये जो है अपना सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, जो नीचे से जाके इसकी ओपनिंग यहाँ होती है, कोरोनरी साइनस, और कोरोनरी साइनस में ही कोरोनरी वेन्स टूटते हैं, जो कोरोनरी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट का वो ले जाकर किसको देते हैं, इस कोरोनरी साइनस को। और जब एओर्टा आता है तो एओर्टा जो है वहां पर उसका भी बाइफर्केशन होता है, और तब कोरोनरी आर्टरी जो होते हैं वो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। तो ये सारी कुछ बातें कार्डियक साइकिल में, जो आप इसको तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जो टाइम ड्यूरेशन है ऑरिकुलर सिस्टोल और ऑरिकुलर डायस्टोल का, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है बहुत ही अमेजिंग ये फैक्ट्स कि मात्र 0.8 सेकंड में ये कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और उसमें भी हाफ मतलब जितना टाइम है उससे ज्यादा टाइम ये क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो ये काम 0.1 सेकंड के लिए और रेस्ट हो गया इनका 0.7 सेकंड के लिए। इनका जो फंक्शन है 0.3 सेकंड के लिए, रेस्ट कर रहे हैं 0.5 सेकंड के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड एंड जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड। तो ये this is all about this cardiac cycle and this is the repeating pattern of contraction and relaxation of heart. तो सिस्टोल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन, बताया है ना, कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल और रिलैक्सेशन जो है वो डायस्टोल। तो ये सारी कुछ बेसिक बातें, और ये सारा कुछ एसएनओड, एवी नोड, यू नो कॉलिमिक कार्डी, पैपिलरी मसल्स, बॉडी टेंडनी, ये सब मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। अगर आपको उससे कोई डाउट हो तो आप प्लीज सीक्वेंस से वीडियो को देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल। थैंक यू सो मच।